आधी रात धरती के शैतानों के लिए शामत वाली रात है। नमस्कार। विजयादशमी पर आतंक के रावण के अंत का ब्लूप्रिंट रेडी है। आज वंदे मातरम में मैं रोहित रंजन आपको बताऊंगा किस तरह हिंदुस्तान से अमेरिका तक दशानन के समूल विनाश की महायोजना तैयार की जा रही है। आतंक के दहन के लिए विजयादशमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं सात सात रक्षा कंपनियों का तोहफा दिया है। यहां धरती के शैतानों के खात्मे के अस्त्र शस्त्र तैयार किए जाएंगे। रक्षा क्षेत्र में आज जो सात नई कंपनियां उतरने जा रही हैं, वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों को और मजबूती देगी। जिनजोंग के खुराफाती दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका के सैम अंकल ने भी कमर कस ली है। नियाजी खान और मुल्ला बरादर पर नकेल का क्या प्लान है, इसका भी आज वंदे मातरम में होगा खुलासा। वंदे मातरम, मैं आपके साथ रोहित रंजन। सिर्फ राष्ट्रहित की खबरें ही मेरी पहचान है और मैं लेकर आया हूं आपके सामने देश का सबसे बड़ा शो जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ देश हित की बात करूंगा। हिंदुस्तान की ताकत में सात गुना इजाफा हो गया है क्योंकि अब भारत के सात महारथी तैयार हैं वतन की हिफाजत के लिए। वहीं शैतानों के आका जिन और जोंग की जोड़ी का काल बनकर टूटेंगे अमेरिका के विध्वंसक बम जो पाताल में भी ड्रैगन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इधर जिनपिंग का भतीजा नियाजी अपने घर में मौत के करीब पहुंच रहा है। बाजवा ही नियाजी का तख्ता पलटने पर तुला हुआ है। ये सच है जो अब आपके सामने है। मोदी बाण चला, आतंकी रावण मरा। विजयदशमी पर शैतानों की शामत। नियाजी बरादर का हिसाब, जिनजोंग होंगे साफ। विजयदशमी यानी असत्य पर सत्य की जीत। आज हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता शौर्य और पराक्रम की पूजा कर रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिंद की सेना को मजबूती देने के लिए एक साथ सात नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया। The government of India has brought in long-awaited reforms in defense production. भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए देश की सात रक्षा कंपनियां अब सैनिकों के लिए पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन तक बनाएंगी। जाहिर है नए हिंदुस्तान की बढ़ रही सामरिक ताकत से शैतान परेशान है, उनकी नींद हराम है। परिवर्तन लाने में ये नई सात डिफेंस कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। आज की तारीख में जिनजोंग की जोड़ी धरती पर शैतानों की नंबर वन जोड़ी है। दोनों के खुराफाती दिमाग ने दुनिया को तबाही के मुहाने पर ला दिया है।
लेकिन अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल और बमों के बाप GBU-72 की टेस्टिंग से दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम है। रही सही कसर क्वाड देशों ने पूरी कर दी है। बंगाल की खाड़ी में आज ही खत्म हुए मालाबार युद्धाभ्यास में चार देशों की नौसेना की ताकत देख दुश्मनों के दिन का चैन और रातों की नींद गायब है। इन सब के बीच चीन का लाल शैतान का गुलाम नियाजी खान अपने ही घर में घिरा हुआ है। जनरल बाजवा ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है तो तहरीके तालिबान के ताबड़तोड़ अटैक ने नियाजी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दरअसल इंडियन मिलिट्री अब अपने मेड इन इंडिया हथियारों से लैस होगी और भारत के जवानों को आधुनिक बनाने के से लेकर उनकी सुरक्षा तक की जिम्मेदारी अब भारतीय कंपनियों के हाथों में होगी। भारत ने सेना के साजो सामान के लिए 7 कंपनियां बनाई है जो भारत में हथियारों का निर्माण करेंगी। यानी भारत में बने बम अब दुश्मन का काल साबित होंगे। पिस्टल से लेकर राइफल्स तक और बम बारूद से लेकर फाइटर जेट्स तक सब कुछ अब भारत में ही बनकर तैयार होगा और भारत के दुश्मन चाचा भतीजों पर कहर बनकर टूटेगा। नियाजी के चाचा को मौत मिलेगी मेड इन इंडिया। जिनपिंग के भतीजे का काल बनेगा मेड इन इंडिया। रक्षा क्षेत्र में आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही है वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों को और मजबूती देगी। बम बरसाएंगे मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स। दुश्मन का काल बनेगी मेड इन इंडिया असॉल्ट राइफल्स। भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का दमखम दुनिया ने देखा है। हिंद की गर्जना से थर्राएगा जिनपिंग। भारत की धमक से सहम जाएगा आतंकियों का किंग। न जिन को मिलेगी दुबकने की जगह न नियाजी बिल में घुस पाएगा। भारत अब ऐसे ऐसे बम बनाएगा जो तोरा बोरा की पहाड़ियों में घुसकर भी दुश्मन का काल बन जाएगा। विजयादशमी पर हिंदुस्तान की ताकत में 7 गुना इजाफा हुआ है क्योंकि अब भारत ने अपनी सेनाओं को मेड इन इंडिया हथियारों से आधुनिक बनाने का फैसला किया है। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। आतंकियों का अंत करना हो, चीन की चूजा आर्मी को तबाह करना हो या नियाजी के घर में घुसकर उसका खात्मा करना हो, अब सब कुछ होगा भारत से बने हथियारों से। इंडियन मिलिट्री के लिए मेड इन इंडिया प्लान तैयार हो गया है और मेड इन इंडिया हथियार ही दुश्मनों की खाल खींच लाएंगे। पिस्टल से लेकर असॉल्ट राइफल तक और वारशिप से लेकर फाइटर जेट्स तक सब कुछ भारत में ही बनकर तैयार होगा। यूपी और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर्स का उदाहरण हमारे सामने है। इतने कम समय में बड़ी बड़ी कंपनियों ने मेक इन इंडिया में अपनी रुचि दिखाई है। इससे देश में युवाओं के लिए नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं और सप्लाई चेन के रूप में कई एमएसएमई के लिए नई संभावनाएं बन रही हैं।
जवानों की सुरक्षा के लिए आधुनिक हेलमेट हो, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो या नाइट विजन कैमरे, सब कुछ भारत में तैयार होगा। दुश्मनों को चीरते हुए जवानों को पहुंचाने वाले बख्तरबंद वाहन हो या फिर आधुनिक हथियार, सब कुछ भारत में ही बनेगा, भारत के लिए बनेगा और भारत में बनकर दुनिया तक भी पहुंचेगा। विजयादशमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा तैयारियों को पुख्ता करने के लिए 7 नई कंपनियों का ऐलान किया है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी MIL भारत के लिए तोप, बंदूकें और बम बारूद बनाएगी। आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी ओनी भारत के लिए बख्तरबंद वाहन तैयार करेगी। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड AWE इंडिया आधुनिक हथियार तैयार करेगी। ट्रूप्स कम्फर्ट्स लिमिटेड TCL के पास जवानों की सुरक्षा के लिए साजो सामान बनाने की जिम्मेदारी होगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL आधुनिक उपकरण तैयार करेगी। इंडिया ऑप्टल लिमिटेड यानी IOL और ग्लिडस इंडिया लिमिटेड यानी GIL आधुनिक फाइटर जेट्स तैयार करने में सहायता करेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। आने वाले चंद सालों के भीतर ही रक्षा उपकरणों के मामलों में भारत आत्मनिर्भर होगा, यानी भारत के पास वो हर चीज मौजूद होगी जिसकी बदलते दौर में इंडियन मिलिट्री को जरूरत है। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब भारत के जवानों के हाथों में भारत में बनी असॉल्ट राइफल्स होंगी, भारत में बनी तोपे चीन के चूजों का काल बनकर बरस रही होंगी और भारत में बने फाइटर जेट्स पाकिस्तान और चीन की सेना पर काल बनकर मंडरा रहे होंगे। इन 7 कंपनियों के अलावा DRDO भी दुश्मन को मौत बांटने वाला हथियार तैयार कर रहा है। DRDO ने एंट्री ड्रोन तकनीक विकसित कर ली है जो न सिर्फ ड्रोन का पता लगा सकती है बल्कि कई किलोमीटर दूर से ही ड्रोन की पहचान कर अलर्ट भी जारी कर सकती है। इस तकनीक को भी सेना के सामान बनाने वाली कंपनियों के साथ शेयर किया जा रहा है ताकि दुश्मन की कोई भी चाल कामयाब न हो पाए और दुश्मन को हर मोर्चे पर मात दी जाए। यानी एक तरफ पीएम मोदी हैं जो देश का मान बढ़ा रहे हैं और देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हथियार बनवा रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस है जो चीन की गोदी में जाकर बैठी है, चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो शेयर कर भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने में जुटी हुई है। जो कांग्रेस, फिर से कह रहा हूं, जो कांग्रेस कभी सेना के शौर्य की सराहना नहीं करती, वो चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो को भारत में फैला रही है और मनोबल तोड़ रही है। इससे पहले कि हम आपको कांग्रेस का असली चेहरा दिखाएं, आपको बताएं कि कांग्रेस कैसे भारतीय सेना का मनोबल तोड़ रही है, आप इन ट्वीट्स पर नजर दौड़ाइए। ये ट्वीट कांग्रेस के हर ट्विटर हैंडल पर घूम रहा है। इस ट्वीट में कुछ तस्वीरें हैं और एक है प्रोपोगंडा वीडियो जिसे फैलाया है चीन ने। वीडियो में कथित तौर पर भारतीय आर्मी के जवान हैं। ये वीडियो कब का है, कहां का है, ये बताया नहीं जा सकता। इस वीडियो को चीन ने जारी किया और कांग्रेस ने हाथों हाथ लपक लिया। भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने वाले इस वीडियो को रिट्वीट और शेयर करने में कांग्रेस को बहुत मजा आ रहा है। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। क्या कांग्रेस ने कभी भारतीय जवानों के शौर्य वाला कोई वीडियो शेयर किया है? क्या कांग्रेस ने इंडियन एयरफोर्स के एयर शो का वीडियो ट्वीट किया? बालाकोट में एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस ने ही सवाल क्यों उठाए थे? उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस ने सवाल क्यों उठाए थे? चीन ने एक वीडियो ट्वीट किया और आर्मी से सबूत मांगने वाला पूरा गैंग उस वीडियो पर टूट पड़ा है। सेना के मनोबल को तोड़ने वाला ये वीडियो ट्वीट और शेयर करने में हमें शर्म आनी चाहिए। हमें शर्म आनी चाहिए कांग्रेस और उसकी सोच पर, जो न कभी आर्मी एक्सरसाइज के वीडियो को ट्वीट करती है, न कभी सेना की तारीफ करती है। बहुत आसान है, ऐसे वीडियो को शेयर कीजिए और सेना के मनोबल को तोड़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन सच ये भी है कि ये सब सियासी स्टंट तब धरे के धरे रह जाते हैं जब सिर्फ और सिर्फ आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए ये सेना के जवान हमेशा तत्पर रहते हैं। धरती के 3 शैतान वर्ल्ड वॉर कराने की फिराक में हैं। चीन का लाल शैतान, कोरियाई प्रायद्वीप का सनकी तानाशाह और खाड़ी का जल्लाद, तीनों की सनक दुनिया को तबाह करने पर आमादा है और कोई मिसाइलों की कॉलोनी बना रहा है तो कोई सोते जागते मिसाइलों का ही सपना देखता है।
किसी की सनक एटॉमिक ताकत बनाने की है, लेकिन अब इन सब के मंसूबों पर अमेरिका ने पानी फेर दिया है, क्योंकि सुपर पावर ने बना लिया है बमों का बाप, जो पाताल फाड़कर भी इन शैतानों की लंका को नस्तो नाबूद करने की ताकत रखता है। दुनिया तबाही के मुहाने पर खड़ी है, क्योंकि दुनिया के ये तीन शैतान अपनी ताकत की भूख मिटाने के लिए लगातार तबाही का सामान तैयार कर रहे हैं और दुनिया को बार बार संदेश भी दे रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए वो किसी पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटने वाले। एक तरफ शी जिनपिंग की चाहत है कि वो रूस अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाए, और इसके लिए वो दूसरों की जमीन हड़पने की कोशिश में है। दूसरा शैतान ईरान में है, इब्राहिम रईसी, जो परमाणु बम की ताकत हासिल करने के लिए बेताब है। तीसरा उत्तर कोरिया का वो शैतान जिसको एटम बम और मिसाइलों से मोहब्बत है, और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद वो नई मिसाइलें लॉन्च कर रहा है। इन तीन शैतानों को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने पाताल को भेदने वाला बम बनाया है। अमेरिकी एयरफोर्स ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि उसने मदर ऑफ ऑल बम को टेस्ट किया है। यह है GBU-72 बंकर बस्टर बम, जिसे हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पर लोड किया गया और अमेरिका के घातक F-15 ईगल स्ट्राइकर लड़ाकू विमान से लॉन्च कर दिया गया। फ्लोरिडा के एग्लिन एयरफोर्स बेस में F-15E ने उड़ान भरी। 35,000 फीट की ऊंचाई से GBU-72 बम से लैस मिसाइल छोड़ी। तीन टेस्ट किए गए और हर टेस्ट में 2.5 टन का GBU-72 बम सफल रहा। GBU-72 बम अंडरग्राउंड सैन्य और मिसाइल ठिकाने तबाह करता है। साफ है कि इस बम के आने के साथ अमेरिकी वायुसेना को इतनी ज्यादा ताकत मिल गई है कि वो ईरान और उत्तर कोरिया के सुरंगों में छिपे परमाणु ठिकानों को तबाह कर सकता है, और साथ ही चीन में बनाए गए मिसाइलों को भी निशाना बना सकता है। वैसे अमेरिका ने असल में F-15E के अपग्रेड वर्जन की क्षमता को भी आका है। F-15E को 5,000 पाउंड के GBU-70 बम ले जाने के काबिल बनाया गया है। F-15E की क्षमता 900 किलो तक का बम ले जाने की थी। बोइंग ने अपग्रेड कर F-15E की क्षमता बढ़ाकर 2300 किलो की। F-15E का भी टेस्ट हुआ कि यह लड़ाकू विमान 2300 किलो का बम ले जा सकता है, साथ ही 2300 किलो बम से लैस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। अमेरिकी वायुसेना ने 23 जुलाई को भी GBU-72 बम का टेस्ट किया था। यह अमेरिका की अब तक का सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम है, जिसने अपने हर टेस्ट में जमीन के भीतर घुसकर बंकर को तबाह करने की अपनी काबिलियत को साबित किया है। किसी भी युद्ध में यह बंकर बस्टर गेम चेंजर साबित हो सकता है। पूरी दुनिया को पता है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेस में ड्रैगन काफी आगे निकल चुका है। इस तस्वीर को देखिए, सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये वो मिसाइल सेंटर है जहां से मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। चीन ऐसे तीन मिसाइल साइलो फील्ड बना रहा है जहां इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें रखी जाएंगी, और उन्हें कभी भी यहीं से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से साइलो से निकली ये मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी शहर पर हमला कर सकती हैं और उस शहर को तबाह कर सकती हैं,
लाखों की जान एक झटके में ले सकती है। जिनपिंग जिस तरह से अपने घर में मिसाइल साइलो बनाकर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की पूरी कॉलोनी बसा रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि लाल शैतान पूरे अमेरिका पर एक साथ मिसाइलों की बारिश करने की फिराक में है। ड्रैगन को अच्छी तरह मालूम है कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ इतने मिसाइलों के अटैक को रोक नहीं पाएगा, और अगर 10% चाइनीज ICBM का अटैक सफल रहा तो अमेरिका के कम से कम 30 शहर बर्बाद हो जाएंगे। जिनपिंग के खुराफाती दिमाग से निकले इस आइडिया का तोड़ अमेरिका का ये महाबम है। तोड़ ही नहीं, अमेरिका अपने इसे एक पताल भेदी बम से ड्रैगन की मिसाइल कॉलोनी में तबाही लाकर आधे चीन को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि बारूद को सुलगाने के लिए एक चिंगारी ही काफी है। ड्रैगन ने भले ही अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को एक्टिव मोड में पाताल में छिपा कर रखा हो, लेकिन सुपर पावर का एक GBU-72 बम इन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए काफी है। इसके बाद तबाही की जिस चैन रिएक्शन की शुरुआत होगी उसे रोक पाना ड्रैगन की भूते की बात नहीं। अब आपको यानी अब तक अमेरिका की नई GBU-72 महाबम की ताकत का अंदाजा तो हो गया होगा। बमों के बाप से धरती के शैतानों की शामत आ गई, और ये आपको दिखाएं आगे। लेकिन उससे पहले अब आपको बताते हैं कि दुनिया के टॉप 5 महाबम क्या हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी समझ लीजिए, क्योंकि एक है MOAB, अमेरिका के इस बम को सभी बमों की जननी भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉन एटॉमिक बम है, जो 30 फुट लंबा और 9,800 किलोग्राम वजनी बम है। इसको GPS से ऑपरेट किया जाता है, और इस बम को बनाने में 18,000 LB TNT का इस्तेमाल किया गया है। इस बम को MOAB एयरक्राफ्ट के जरिए ही एक पैलेट में गिराया जाता है, एक पैलेट से गिराया जाता है, और इसका असर भयावह धमाके के गुबार के रूप में होता है, और यह हर दिशा में 1 मील तक फैल सकता है। अगले बम को जानिए, FOAB यानी रूस के एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज पावर को फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। FOAB एक तरह के फ्यूल एयर बम है, और यह इस बम की सबसे बड़ी ताकत है जो इस बम को खतरनाक बनाता है। तकनीकी रूप से इसे थर्मोबैरिक हथियार के रूप में भी जाना जाता है। इसका वजन 7100 किलोग्राम है, और इसमें 40 टन TNT का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा जो बड़ा बम है वो जानिए, GBU-28। इसका निर्माण 1991 में अमेरिकी वायुसेना ने इराकी बंकरों, सैन्य ठिकानों और सामरिक केंद्रों को बर्बाद करने के इरादे से किया था, और यह बम 6 मीटर मोटी कंक्रीट में सुराख करने में कारगर है। इसराइल और दक्षिण कोरिया की वायुसेना के पास 2300 किलो वजनी GBU-28 बंकर ब्लास्टर बम है। अब है MOP, यानी कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ये अमेरिका के शक्तिशाली नॉन एटॉमिक बमों में से एक है, और इसका वजन 14,000 किलोग्राम और लंबाई करीब 20.5 फुट है। वैसे तो इस बम का नाम मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है, लेकिन इसे बस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस बम का इस्तेमाल जमीन के भीतर की लोकेशन और बंकरों को निशाना बनाने में किया जाता है, और यह बम 200 फुट गहराई तक जा सकता है और 60 फुट कंक्रीट को तोड़ भी सकता है। अब है स्पाइस यानी कि स्मार्ट प्रिसाइज इंपैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव बम। यह हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर गैर परमाणु बम है, जिसे इसराइल में बनाया गया, और इसका वजन है करीब 900 किलोग्राम है। इसकी मारक क्षमता बेहद विनाशकारी है। ये उन बमों के बारे में आपने जाना, लेकिन ये भी समझिए कि आतंकियों को पाल पोस कर बड़ा करने वाले नियाजी की कुर्सी अब चंद दिनों की ही बची है। जनरल बाजवा ने बगावत कर दी और इमरान के खिलाफ खड़ा हो गया है। तख्ता पलट करने के लिए तैयार है बाजवा, और ये सब कुछ हो रहा है ISI चीफ को लेकर। उधर तहरीके तालिबान है जो इमरान की बात सुनने को राजी नहीं है, और रोजाना पाकिस्तानी आर्मी को वो मार रहा है। यानी कि नियाजी अब भस्मासुरों के बीच ही फंस कर रह गया है।
घर में घिरा आतंकियों का आका, भस्मासुरों के चक्रव्यूह में फंसा जिनपिंग का भतीजा, टीटी के तोड़ रहा नियाजी की कमर, बाजवा की आर्मी बरपाएगी कहर, अपने ही घर में घिर गए हैं इमरान। मियां नियाजी को नहीं मिल रहा चक्रव्यूह तोड़ने का समाधान, टीटी के बना हुआ है सिरदर्द, और अब जनरल बाजवा भी दे रहा है इमरान को चुनौती, कह रहा है कि आर्मी से दूर रहो वरना पल भर भी नहीं लगेगा और नियाजी का हश्र भी नवाज शरीफ वाला होगा। पाकिस्तान में सरकार चलाती है आर्मी और आईएसआई, नियाजी खान तो सिर्फ आर्मी का एक तोता भर है, लेकिन अब नियाजी और जनरल बाजवा के बीच टकराव हो रहा है। आर्मी ने आईएसआई के चीफ फैज हामिद का तबादला कर उसे पेशावर कोर का कमांडर बना दिया है, जबकि फैज हामिद की जगह नदीम अंजुम को आईएसआई का चीफ बनाया गया है। इमरान खान चाहते हैं कि फैज हामिद ही आईएसआई चीफ बना रहे, लेकिन बाजवा ने फैज हामिद को अगला जनरल बनाने की प्लानिंग की है। लेकिन इमरान खफा है क्योंकि आईएसआई चीफ की नियुक्ति करने का हक पीएम के पास है, लेकिन बाजवा ने इमरान खान को बाईपास कर आईएसआई चीफ तैनात कर दिया है। यानी पाकिस्तान में एक बार फिर वैसा ही संकट आ खड़ा हुआ है जैसा 22 साल पहले आया था। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया था, और अब बाजवा इमरान का तख्ता पलट करने पर आमादा है। नियाजी उन्हीं गिद्धों के बीच फंस गया है जिन्हें अब तक वो अपना समझता था। और वंदे मातरम में भी के लिए इतना ही, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।